मेरा मेरा अब्बा एक बिजनेसमैन है, तो वो जी जब कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो जो खरीदा हुआ दाम है तो वो बढ़ा के बोलता है कस्टमर को ज्यादा प्रॉफिट के लिए। तो वो जब सेल करके जो वो धोखे झूठ बोल के जो जो पैसा वो इनकम करता है, वो मेरे लिए अब्बा के इंतकाल के बाद लेना जायज होगा? भाई का सवाल ये है कि इनके वाली साहब बिजनेस करते हैं और बिजनेस में वो कुछ बेईमानी वगैरह भी करते हैं, तो इस तरह से हराम तरीकों से जो पैसा लाते हैं, क्या उस पैसे का खाना इनके लिए, इनके वालिद साहब की वफात के बाद क्या उस वो पैसा विरासत में इनको मुंतकिल होगा कि नहीं होगा? देखिए मेरे भाई, आपके वालिद साहब या कोई भी इंसान दुनिया का जो माल हराम तरीके से कमाता है, अगर आपको जी ये पता है, उसकी वफात के बाद आपको ये पता है कि ये माल हराम तरीके से कमाया गया है और फला शख्स का ये माल है जो मेरे वालिद ने उस पर ज्यादती करके उससे लिया था, सामने वाले की रजामंदी के बगैर मेरे वालिद साहब ने उससे बेईमानी कर लिया था, उससे जुल्मन ले लिया था ये माल, तो ऐसी जी सूरत में वरसा के ऊपर वाजिब है कि वो माल साहिबे माल को वापस कर दें। ये उस सूरत में है जब आपको ये पता है कि ये किसका माल है और ये पता है कि सामने वाले की रजामंदी के बगैर उससे जुल्म करके, उस पर जुल्म करके उससे लिया गया है, तो आप उसे वापस कर देंगे, आप उसके मालिक नहीं बनेंगे। ये पहली शक्ल हुई। दूसरी एक शक्ल ये है कि आपको मालूम है कि आपके वालिद ने वो माल हराम से कमाया है, लेकिन हराम कमाने के कई सारे तरीके ऐसे हैं जिनमें सामने वाले की रजामंदी शामिल होती है। जैसे मिसाल के तौर पर सूद का मसला है कि किसी जी का वालिद सूदी कारोबार करता है और जाहिर है सामने वाले ने, जिसने उसे सूद दिया है, उसने अपनी रजामंदी से दिया है। जब सामने वाले ने अपनी रजामंदी से दिया जी है तो वो माल उसको वापस नहीं किया जाएगा, वो माल उसे वापस नहीं किया जाएगा। अगर आपके वालिद साहब जिंदा होते तो हम उनसे कहते कि ये माल आपके लिए हलाल नहीं है, इस माल को आप किसी गरीब मुहताज को दे दीजिए और इससे छुटकारा हासिल कर लीजिए। लेकिन अब जब जी आपके वालिद साहब नहीं है, क्योंकि अपने ऊपर तो वो खर्च कर नहीं सकते, वो है नहीं, अब ऐसी सूरत में वो माल उनके वरसा को मुंतकिल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा माल, हराम माल जो कस्ब की वजह से हराम हो और सामने वाले की रजामंदी से लिया गया हो, गोया कि सामने वाला भी उस हराम काम में शरीक है, तो ऐसी सूरत में वो माल कमाने वाले के लिए तो हराम है, लेकिन जिसकी तरफ वो माल मुंतकिल हो रहा है उसके लिए हराम नहीं है। अब आप ये फैसला कीजिए कि आपके वालिद साहब ने जो हराम माल कमाया है, क्या वो उसकी सूरत ये है कि सामने वालों पर जुल्म करके लिया है उनकी रजामंदी के बगैर, तो उनको वापस कर दीजिए। और अगर सामने वालों की रजामंदी के साथ वो हराम माल कमाया गया हो, सामने वाले भी उसमें शामिल हैं, तो वो माल उनको वापस नहीं किया जाएगा, वरसा को मुंतकिल हो जाएगा।